के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। अपने ही रिश्तेदार का एटीएम कोड चोरी करके ऑनलाइन खरीदारी करने वाले दो अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 50,000 नगद रुपयों के साथ लाखों का घरेलू सामान बरामद। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों का दूसरे दिन भी हड़ताल रहा जारी। जुलूस निकाल कर की नारेबाजी। तेज आंधी में बगीचों में आम बिनने गई बच्चियों पर गिरी बिजली, एक बच्ची की मौत, तीन झुलसी। यूपीएसएससी प्रवेश परीक्षा में गोरखपुर की नंदनी बनी महिलाओं में टॉपर। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से पहले 100 स्मार्ट क्लास बनने के बाद पूरे जनपद में स्मार्ट क्लास बनाने की योजना, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने दी जानकारी। गीडा में समस्याओं को लेकर डीएम से मिले उद्यमी, कहा गीडा में समायोजन के बाद हो प्लाटों का आवंटन, डीएम ने उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कसी कमर, जिलाधिकारी ने कहा कोई भी गांव नहीं डूबेगा बाढ़ से। पत्नी ने पति पर छत से फेंकने का लगाया आरोप, 2 माह पूर्व भी दोनों ने किया था प्रेम विवाह। भारत माला परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले 4 लेन सड़क निर्माण की डीएम ने की समीक्षा, कहा यात्री सुविधाओं का रखा जाएगा पूरा ख्याल। कैराना और नूरपुर उपचुनाव में जीत के बाद राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, की जमकर आतिशबाजियां। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला उद्योग बंधुओं की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नूरपुर और कैराना के उपचुनाव में सपा की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, आतिशबाजी और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी बधाइयां। लूट के रुपयों, तमंचा और कारतूस के साथ 2 लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे, एसपी साउथ ने किया खुलासा। घटती लिंगानुपात पर मंडलायुक्त ने जताई चिंता, कहा कन्या भ्रूण की जांच पर लगे रोक। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने बताया कि प्रदेश का घटता लिंगानुपात एक गंभीर चिंता का विषय है। 1 जून से ऑनलाइन टिकट बुकिंग कराकर नक्षत्रशाला का लुक उठा सकेंगे लोग। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित हुई गोष्ठी, तंबाकू के सेवन की रोकथाम पर किया गया मंथन। चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए 11वें दिन भी जारी रहा संयुक्त ग्रामीण डाक कर्मचारियों का हड़ताल, हजारों की संख्या में सड़कों पर निकाला जुलूस। और जिला क्रिकेट लीग में रॉयल उद्यान्स क्रिकेट एकेडमी ने टीडीएम क्रिकेट एकेडमी को 17 रनों से हराया।